हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आप लोग की जो बिहार में जो अकाउंटेंट क्लर्क की वैकेंसी आई है, उसके लिए मैं आप लोग की क्लासेस स्टार्ट कर दी थी। इसमें हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था कि अकाउंटेंट कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। आज की वीडियो में हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा बुक कीपिंग और अकाउंटिंग क्या होती है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और फ्रेंड्स का शेयर भी कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहला पॉइंट जिसमें आपको समझना है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, जहाँ से स्टार्ट हो रही है आपका मेन अकाउंटिंग की बात हम जब भी कर रहे होते हैं, तो सबसे पहले जो हमें समझना होता है कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग क्या होती है। क्योंकि बुक कीपिंग समझ लीजिए एक बेस है, जिसके बेस पर आपका पूरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग आगे चलती है। तो जब तक आप उसे ढंग से नहीं समझेंगे, आप आगे की चीज़ों को नहीं समझ पाएंगे। तो बुक कीपिंग की अगर हम बात करें, पुस्तपालन जिसे कहा जाता है, क्या होती है कि एक बिजनेस जो काम कर रहा है, एक बिजनेस की जब हम शुरुआत करते हैं, कोई व्यवसाय हम कर रहे हैं, कोई इंस्टीट्यूशन हमने खोला है, तो वहाँ पर बहुत से हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, बहुत से हम व्यवहार करते हैं। उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जो नेचर वाइज फाइनेंशियल होते हैं, कुछ नॉन फाइनेंशियल होते हैं। तो जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस या फिर ऐसे व्यवहार जो कि नेचर वाइज फाइनेंशियल होते हैं, मौद्रिक प्रकृति के होते हैं, वित्तीय प्रकार के होते हैं, उसको हम लिखते भी हैं। क्योंकि बिजनेस में अगर आप लिखेंगे नहीं चीज़ों को, तो याद रखना मुश्किल होगा कि आपने कहाँ पर कितना क्या चीज़ सेल करी थी, क्या परचेज किया था, कहाँ पर कितनी आपकी इन्वेस्टमेंट रही है। उस सारी चीज़ों का जो ब्यौरा होता है उसको हम लिखते हैं। तो उसी लिखने को, उसी रिकॉर्डिंग को क्या कहा जाता है, पुस्तपालन कहा जाता है, बुक कीपिंग कहा जाता है। जैसे कि डिफिनेशन दे रखी है कि किसी इकाई के व्यवसाय संचालन से संबंधित वित्तीय लेन देन को उचित तरीके से रिकॉर्ड करना पुस्तपालन पद्धति के रूप में जाना जाता है। पुस्तपालन पद्धति किसी इकाई के खातों की पुस्तकों में उचित तरीके से वित्तीय लेन देन का स्थायी अभिलेखन है, ताकि इकाई के व्यवसाय पर उनके वित्तीय प्रभाव को देखा जा सके। कि जब एक सही ढंग से आप एक कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, आगे हम वो भी पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, उसके अकॉर्डिंग जब चीज़ों को लिखते हैं, उनको रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी ट्रांजेक्शन हमने किए होते हैं, तो उसको ही क्या कहते हैं, बुक कीपिंग कहा जाता है, उसी को हम पुस्तपालन कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा पुस्तपालन क्या होता है। आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, व्हाट इज अकाउंटिंग। दोनों वर्ड इतने साथ में यूज किए जाते हैं कि अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि दोनों एक ही हैं या दोनों अलग हैं। अगर अलग हैं तो उनमें क्या डिफरेंस है, डिफरेंस को भी हम समझेंगे। पहले देखते हैं कि अकाउंटिंग क्या होती है, लेखांकन क्या होता है। ये अकाउंटिंग इंक्लूड्स रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन इन ए प्रॉपर मैनर। जब हम बात कर रहे थे बुक कीपिंग की, तो हमने बात करी थी लिखने की, कि अभिलेखन होता है, रिकॉर्डिंग की जाती है। जो भी हम ट्रांजेक्शन किए होते हैं उनको उनका हम लेखा रखते हैं, उनको हम लिखते हैं। लेकिन जो बात हम करते हैं अकाउंटिंग की, वहाँ पर हम सिर्फ लिखते नहीं हैं, उसको लिखने के बाद उसको क्लासीफाई भी करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा ही होगा तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं। कितने तरह के होते हैं आपको पता ही होगा कि टाइप्स ऑफ अकाउंट की अगर हम बात करें, आगे इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कि कितने तरह के अकाउंट्स होते हैं। तो पहला हो जाता है आपका पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या हो जाएगा, जो व्यक्तिगत खाता होता है। दूसरा हो जाएगा जो रियल अकाउंट हो जाते हैं, जिसे कि हम वास्तविक खाते बोलते हैं। और थर्ड हो जाता है नॉमिनल अकाउंट, जिसे कि हम बोलते हैं नाम मात्र का खाता। इसमें क्या हो रहा है, आप क्लासिफाई ही तो कर रहे हैं अलग अलग खातों में, तीन तरह के अकाउंट्स आपने बनाए, तो तीनों में आप इसको अलग अलग वर्गीकृत कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं। उसके बाद समराइज करते हैं। समराइज कैसे करते हैं, आगे जो हम सारांशित करना, उसके बाद हम क्या करते हैं अपना, हम जो अकाउंट्स में अलग अलग हमने थे उसको क्लासिफाई करने के बाद हमने लेजर तैयार किया। लेजर के बाद हम क्या करते हैं, जो फाइनल अकाउंट्स तैयार करते हैं। तो फाइनल अकाउंट्स में आपको एक समरी पूरी मिल जाती है, जो बैलेंस शीट के हैं, बैलेंस शीट में आपको एक समरी मिल जाती है कि फाइनेंशियल स्टेटस क्या है किसी बिजनेस का, वो समराइज करते हैं। तो ये जो आपका लेखांकन होता है, अकाउंटिंग होती है, उसमें रिकॉर्डिंग के साथ साथ क्लासिफाइंग और समराइजिंग भी शामिल होती है। तो बुक कीपिंग सिर्फ रिकॉर्डिंग तक आपकी थी, लेकिन जो अकाउंटिंग है उसके आगे क्लासिफाइंग और समराइजिंग करना भी शामिल किया जाता है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि लेखांकन जो होता है वो काफ़ी ब्रॉड नेचर में है, उसमें हम बुक कीपिंग को भी शामिल करते हैं। आगे देखिए दे रखा है, इट इज विद कॉमन मॉनेटरी मेजरमेंट, इट इज दस अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैन बुक कीपिंग। बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि
इसमें इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि सही बताइए कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, या फिर इस तरह से भी पूछ सकते हैं कि बुक कीपिंग इज ए पार्ट ऑफ डैश, आपको बताना है किसका पार्ट है, अकाउंटिंग का पार्ट। तो जब बात हम अकाउंटिंग की कर रहे होते हैं तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग को भी शामिल किया जाता है। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि जहाँ पर पुस्तपालन का कार्य समाप्त होता है वहां से लेखापालन का, या फिर इस तरह से कह सकते हैं लेखांकन का कार्य। इसको इस तरह से भी कहा जाता है कि जहाँ से पुस्तपालन बुक कीपिंग का कार्य समाप्त होता है वहीं से अकाउंटिंग का काम यानी लेखांकन का काम शुरू होता है, और जो बुक कीपिंग होती है वो लेखांकन का ही एक पार्ट होती है, एक भाग होती है। आपको समझ में आ गया होगा दोनों चीजें क्या होती हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा इसमें और हम डिफरेंस को समझ लेते हैं, डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो पहला क्या है डिफरेंस इसमें, पहले डिफरेंस की अगर हम बात करें कि बुक कीपिंग इज कंसर्न विद द रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, वेयर एज अकाउंटिंग इन्वॉल्व्स रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जैसे कि मैंने अभी आपको समझा ही दिया था कि जो बुक कीपिंग होती है उसमें सिर्फ जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं उनका रिकॉर्डिंग की जाती है, अभिलेखन होता है। लेकिन जो हम बात करेंगे इसकी अगर अकाउंटिंग की, तो उसमें क्लासिफाई भी करते हैं और समराइजिंग भी करते हैं। सेकेंड आ जाएगा, बुक कीपिंग इज क्लरिकल इन नेचर एंड यूजली इज द जूनियर स्टाफ परफॉर्मेंस दिस फंक्शन, वेयर एज अकाउंटिंग रिक्वायर्स स्किल्स ऑफ अकाउंटेंट एंड नॉलेजेबल ऑफ वेरियस अकाउंटिंग पॉलिसीज। जब बुक कीपिंग की बात की जाती है तो बुक कीपिंग पुस्तपालन क्या है, एक लिपिकी कार्य है, जो क्लर्क होते हैं वो भी काम कर सकते हैं, यानी कि इसको करने के लिए कोई स्पेशल नॉलेज की इतनी आवश्यकता नहीं होती, तो क्लर्क भी उस काम को कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे आगे अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग करने के लिए आपको पता होना चाहिए अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में, रूल्स रेगुलेशंस के बारे में, डेबिट क्रेडिट के बारे में। बहुत अच्छे से जब आप उस चीज़ की नॉलेज रखेंगे तभी आप उस काम को कर पाएंगे। इसीलिए जो फाइनल अकाउंट्स तैयार करे जाते हैं वो ही ऐसे व्यक्ति के द्वारा ही किए जाएंगे जो उन चीज़ों की ज़्यादा अच्छे से नॉलेज रखता है। और अगर हम आगे बात करें इसमें और क्या अंतर होता है, तो द बुक कीपिंग इज द बेस फॉर अकाउंटिंग। जैसे कि भी मैंने पहले ही बताया था कि बुक कीपिंग क्या होती है, अकाउंटिंग का एक पार्ट होती है, तो एक तरह से बेस बनाती है। अगर हम बुक कीपिंग में रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ट्रांजेक्शन को लिखेंगे नहीं, तो फिर हम उसको क्लासीफाई कैसे करेंगे। क्लासीफाई करने के लिए, वर्गीकृत करने के लिए हमें पहले उनको लिखना पड़ता है। अकाउंटिंग स्टार्ट वेयर द बुक कीपिंग एंड्स एंड इज दस ब्रॉडर इन स्कोप दैन बुक कीपिंग। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जहाँ से बुक कीपिंग का एंड होता है वहीं से क्या होती है, अकाउंटिंग शुरू होती है, और ये बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का ही एक भाग है। नेक्स्ट आ जाएगा, बुक कीपिंग इज इन अकॉर्डेंस विद द अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, वेयर एज द अकाउंटिंग मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग द फाइनेंशियल रिपोर्ट्स मे वेरी फ्रॉम इनिशिएटिव टू इनिशिएटिव। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पुस्तपालन की होता है, जो उसकी लेखांकन की अवधारणाएं परंपराएं होती हैं उसके अनुसार होता है, लेकिन इसमें जो वित्तीय रिपोर्ट या जो फाइनेंशियल रिपोर्ट्स तैयार की जाती है, जो एनालिसिस किया जाएगा, या फिर उसमें लेखांकन विधियां जो होती हैं, ये सारी लेखांकन में क्या हो जाती हैं, अकाउंटिंग में अलग अलग हो जाती हैं। यानी कि बुक कीपिंग तो सभी जितनी भी आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर जितनी भी आप कहें कंपनीज हैं या सब जगह एक ही तरह से होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स हैं फाइनेंशियल नेचर के हैं, मॉनिटरी में जिसको मेजर किया जा सकता है, उन सबका रिकॉर्ड रखा जाएगा। लेकिन जब अकाउंटिंग की हम बात करें, एनालिसिस करने की बात जब हो जाती है फाइनल अकाउंट्स को, वो डिपेंड कर जाता है कि अलग अलग जो भी संस्थाएं होती हैं, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन हैं, उनकी अलग अलग नीड्स होती हैं, उसके अकॉर्डिंग वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है। ये हो जाएगा बुक कीपिंग और हमारा जो अकाउंटिंग है उसके बीच में डिफरेंस। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि जो अकाउंटिंग है या बुक और जो बुक कीपिंग है, कहाँ तक अकाउंटिंग आती है और कहाँ तक बुक कीपिंग आती है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आइए देख लेते हैं एक बार इसको, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट बनता है, डायरेक्ट आपसे पूछेगा कि जर्नल कहाँ पर आता है, बुक कीपिंग में या फिर अकाउंटिंग में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनेगा और बच्चे यहाँ पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो देखिए स्ट्रक्चर क्या होता है बुक कीपिंग का, बुक कीपिंग के स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, जो नंबर वन पे होता है ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, लेन देन होते हैं। फिर नंबर टू पे क्या होता है, मेमोरेंडम बुक्स तैयार की जाती हैं। फिर नंबर थ्री पर क्या होगा, जर्नल बनाया जाता है। तो जर्नल किस में आता है, जर्नल बुक कीपिंग का पार्ट होता है, पुस्तपालन का पार्ट होता है, और इसी जर्नल में इसकी सब्सिडरी बुक भी तैयार की जाती हैं। कौन कौन सी बुक होती हैं, कैश बुक बनाई जाती है, परचेज बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक,
डिसेबल बुक, डिस्टेबल बुक और जर्नल प्रॉपर, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत बनते हैं। आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि कौन सी चीज़ जो है वो बुक कीपिंग में है, कौन सी अकाउंटिंग में है। फिर फोर्थ नंबर पर जब जर्नल हमने बना लिया तो उसी जर्नल से हम क्या बनाते हैं, हम खाता बही या फिर लेजर तैयार करते हैं। लेजर तैयार करने के बाद अब यहाँ से काम शुरू होता है हमारा अकाउंटिंग का। तो यहाँ तक की जो आपकी स्ट्रक्चर है वो किसका है, बुक कीपिंग का है। इसके बाद किसका आ जाएगा, अकाउंटिंग का आ जाता है। फिर अकाउंटिंग में जब हम आते हैं तो सबसे पहले क्या किया जाता है, जो ट्रायल बैलेंस बनाया जाता है, तलपट बनाया जाएगा। तलपट कैसे बनता है, जो लेजर में आपने अकाउंट रखे होते हैं उसमें जो बैलेंस निकल करके आता है उसी बैलेंस से हम ट्रायल बैलेंस तैयार करते हैं। उसके बाद हम बनाएंगे ट्रायल बैलेंस के बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग अकाउंट बनते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट बनाई जाती है, इसी को क्या कहते हैं, ये हमारे फाइनल अकाउंट्स हो जाते हैं। उसके बाद इनका विश्लेषण किया जाता है, एनालिसिस ऑफ फाइनल अकाउंट्स, अंतिम खातों का विश्लेषण। उसके बाद जो रिपोर्ट्स होती हैं जो हमें मिली हैं उसको, जो सूचनाएं होती हैं, इंफॉर्मेशन होती हैं, उसको ट्रांसफर किया जाता है जिसको भी हमें करना होता है उन लोगों को। तो ये पूरा स्ट्रक्चर हो जाता है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि क्या होती है बुक कीपिंग, क्या होती है अकाउंटिंग, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, और साथ ही कैसे हम किन चीज़ों को हम बुक कीपिंग में शामिल करते हैं, किसको हम अकाउंटिंग में शामिल करते हैं। आगे हम डबल एंट्री सिस्टम है, किस तरह का है, क्या है, किसने आविष्कार किया था, कैसे हुआ था, वो सब हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। इस वीडियो में मेरा मेन ये था आप लोग को ये समझाना कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा बनते हैं। आइए कुछ एमसीक्यूज लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं, जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तपालन डैश है, बुक कीपिंग इज डैश एन आर्ट अ साइंस, बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, नन ऑफ दिस। पुस्तपालन क्या है, तो बुक कीपिंग में आप इसको आर्ट मानते हैं, साइंस है, या फिर दोनों माना जाता है, तो बुक कीपिंग को दोनों ही माना जाता है, बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस, कला भी है और विज्ञान भी। तो एक आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है, डैश सूचना की प्रक्रिया के रूप में लेखांकन का अंतिम चरण है, डैश इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ समराइजिंग इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो एक इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए लेखांकन का, अकाउंटिंग का लास्ट स्टेप माना जाता है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, कि मैंने आपको भी सब समझा रहे थे कि जो फाइनल अकाउंट्स हमने बनाए उसके बाद हमने क्या किया था, एनालिसिस किया था। एनालिसिस में जैसे कि आपकी कैश फ्लो है, फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये सब तैयार किए जाते हैं, रेशो एनालिसिस है। तो उसके बाद उन सूचनाओं को क्या किया जाता है, जिसको आवश्यकता है, जिन व्यक्ति के लिए तैयार किया जा रहा है, उनको संप्रेषित किया जाता है, उनको भेजा जाता है। तो उसे क्या कहते हैं, सूचना का संचार करना, यानी कि तो हो जाएगा कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। क्योंकि सही टाइम पर सही व्यक्ति को अगर इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट नहीं किया जाता तो क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन यूजलेस हो जाती है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वह व्यक्ति, फर्म या संस्था जो खरीदी गई वस्तुओं या प्राप्त सेवाओं के लिए नगद मूल्य का भुगतान नहीं करती है उसे डैश कहा जाता है। The person, firm or institution who does not pay the price in cash for the goods purchased or the services received is called dash. Creditor, proprietor, debtor, none of these. तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपने पढ़ा होगा दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक होता है creditor, एक होता है debtor। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी, अगर हम बात करें बिजनेस के लिए, आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आना बहुत जरूरी है कि किसे हम debtor कहते हैं, किसे हम creditor कहते हैं। आपको ये तो पता होगा कि जो बैलेंस शीट हम बनाते हैं, डेटर्स जो होते हैं उन्हें कहाँ दिखाते हैं, करेंट एसेट है, एसेट साइड में दिखाते हैं। और जो हमारे डेटर होते हैं, और जो हमारे क्रेडिटर होते हैं वो क्या है, क्रेडिटर हमारे दिखाए जाते हैं लायबिलिटी साइड में, और ये क्या है, करेंट लायबिलिटी होते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि कोई व्यक्ति है या फिर कोई फर्म है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, उसने जो भी कोई वस्तु खरीदी हो, कोई एसेट खरीदी है या फिर कोई सर्विस ली है और उसको पेमेंट नहीं कर रहा है, तो फिर उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाता है देनदार, डेटर, क्योंकि वो देने वाला है, उसे वो चीज़ उसे उन चीज़ों का जो भी अमाउंट है वो देना है। जैसे कि बिजनेस में क्या होता है, अगर आप सेल कर रहे हैं, कोई अपना जो भी गुड्स हैं उसको सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर कैश सेल होती है और क्रेडिट सेल होती है।
कैश सेल जो होगी उसका जो अमाउंट आएगा वो कैश में चला जाएगा, और जो क्रेडिट अब तक आपने सेल करी है उसका जो अगर उधार है आपको अभी नहीं दिया है सामने वाले व्यक्ति ने, तो उसको आप डेटर मानते हैं, डेटर साइड में लिखाया जाता है। यहाँ पर जो तो एक आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर कंफ्यूज ये मत हो जाएगा, क्रेडिट है तो क्रेडिटर होगा, ऐसा नहीं है, उधार पर दिया गया है तो वो आपका डेटर हो जाएगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माप की एक सामान्य इकाई और रिपोर्टिंग के सामान्य प्रारूप का उपयोग डैश को बढ़ावा देता है। यूज ऑफ ए कॉमन यूनिट ऑफ मेजरमेंट एंड कॉमन फॉर्मेट ऑफ रिपोर्टिंग टू मोस्ट डैश। कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलेबिलिटी। क्वेश्चन में कह रहा है कि मेजरमेंट की एक ही यूनिट का या एक ही इकाई का प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, या फिर एक रिपोर्ट करने के एक ही तरीका या फिर एक ही तरीके से आप काम कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उसका जो यूज होगा या उससे जो फायदा होता है, तो कंपेयर करना इजी हो जाता है दो चीज़ों को। अगर दो अलग अलग बिजनेस हैं लेकिन वो अपने जो भी अकाउंटिंग है वो सेम है, वैसे ही वो अकाउंटिंग रख रहे हैं, तो वहाँ पर कंपेयर करना इजी होता है दोनों की स्थिति को, कि बिजनेस की क्या उनकी सिचुएशन से क्या स्थिति। अगर एक ही बिजनेस में बात करें तो ये हो सकता है कि अगर जिस पैटर्न पे आप काम कर रहे हैं, जिस तरह से अभी तक आप अपने अकाउंट्स रखते आ रहे हैं, तो अपने प्रीवियस ईयर के साथ अगर आप करंट ईयर का कंपैरिजन कर रहे हैं तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ज़्यादा सिंपल समझना तो इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपकी मार्कशीट परसेंटेज में आती है और किसी दूसरे की जो होती है वहाँ पर ग्रेडिंग सिस्टम है, ग्रेड में आ रही है, तो वहाँ पर दोनों चीज़ों को आप दोनों के मार्क्स को कंपेयर करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन दोनों की परसेंटेज में अगर है, मार्क्स आपके टोटल दे रखे हैं, तो वहाँ पर आप आसानी से कंपेयर कर लेंगे। एक आंसर है ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। लाभ कमाने के लिए मालिक द्वारा व्यवसाय में निवेश की गई नकदी, माल या संपत्ति को डैश कहा जाता है। कैश, गुड्स आर एसेट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्रिएटर इन द बिजनेस फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड डैश। प्रॉफिट, कैपिटल, फिक्स एसेट, नन ऑफ दी। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक व्यक्ति है, कोई स्वामी है, वो जो भी अपने पास से कैश है, गुड्स हैं या एसेट को लगा रहा है किस पर्पज से, किससे प्रॉफिट मिले, तो वो चीज़ें क्या कहलाती हैं। तो वो चीज़ें हो जाती हैं पूंजी, कैपिटल कहलाती है। जो कुछ भी स्वामी लगा रहा होता है, मालिक जो होगा बिजनेस का वो लगा रहा होता है, वो सब क्या कहलाता है, वो सब कैपिटल कहलाता है। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब लेखांकन जानकारी स्पष्ट रूप से प्रस्तुत की जाती है तो लेखांकन जानकारी की कौन सी गुणात्मक विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन आर रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। कंपेरेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलेवेंस, रिलेबिलिटी। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऑप्शन वैसे ही है लेकिन आपको क्वेश्चन चेंज है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है कि अगर जो लेखांकन जानकारी है, मतलब यानी कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है, उसको सही ढंग से प्रेजेंट किया गया है तो वहाँ पर क्या फ़ायदा होता है या क्या चीज़ वो क्लियरली प्रेजेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पर क्या चीज़ हो जाएगी, उससे हमें अंडरस्टैंड करना ईजी हो जाता है, समझना आसान हो जाता है अगर क्लियरली हमको सूचनाएँ मिल रही होंगी। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये सब क्या है, ये सब जो आपकी अकाउंटिंग है, अकाउंटिंग के क्या बेनिफिट्स होते हैं या उससे क्या लाभ होते हैं, तो बहुत समझने योग्य होता है। अगर आप लेखांकन कर रहे हैं, आपने जो सूचनाओं को लिखा हुआ है, अकाउंटिंग है प्रॉपर करी हुई, तो आप बिजनेस की स्थिति को, बिजनेस को समझना आसान हो जाता है कि क्या करेंटली सिचुएशन है बिजनेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय परिणाम जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन ऑर्डर टू नो द फाइनेंशियल रिजल्ट इज कॉल्ड डैश। बुककीपिंग, अकाउंटिंग, जर्नलाइजिंग, नन ऑफ दी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पर सिर्फ रिकॉर्डिंग की बात नहीं करी गई, रिकॉर्डिंग के आगे क्या किया गया है, क्लासिफाई भी किया गया, समराइज भी किया गया, क्या हो जाएगा, हो जाएगा हमारा अकाउंटिंग, लेखांकन। तो एक आंसर होगा ऑप्शन बी। बुककीपिंग, अकाउंटिंग तो आप जानते हैं, जर्नलाइजिंग क्या होती है, जब हम जर्नल तैयार कर रहे होते हैं तो उस प्रोसेस को जर्नलाइजिंग कहा जाता है। जिस तरह जर्नल से आप जो भी अकाउंट्स होते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन होती है, उससे आप लेजर तैयार करते हैं, अकाउंट्स बना रहे होते हैं, तो उस प्रोसेस को पोस्टिंग कहा जाता है। और जब जर्नल जो बना रहे होते हैं उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, जर्नलाइजिंग कहा जाता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा, पूछ सकता है ये भी कि जर्नल बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो वो हो जाएगी जर्नलाइजिंग। यहाँ पर का एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा व्यापारिक लेनदेन नहीं है? Which of the following is not a business transaction? Bought furniture of ₹10,000 for business, paid for salaries of employees ₹5,000, paid son's fees from her personal bank account ₹20,000, paid son's fees from the business ₹2,000। क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या व्यापारिक लेनदेन नहीं है, क्या बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। तो आपको ये चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ ऐसी है जो बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सी नहीं है। और यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि सभी कुछ आपका जो है नगद नहीं हुआ है, तो यहाँ पर आपको ये मेनली देखना है कि क्या आपके बिजनेस से रिलेटेड चीज़ है। आइए देखते हैं। पहला जो कह रहा है कि फर्नीचर खरीदा गया है बिजनेस के लिए तो हो जाएगा, कर्मचारियों को या जो एम्प्लॉयज हैं उनको सैलरी दी गई है तो वो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड है, व्यवसाय से बेटे की फीस का भुगतान किया गया है, जो भुगतान किया है वो बिजनेस से ही किया गया है तो एक आहरण की तरह हो जाएगा, ड्राइंग्स की तरह है तो भी आपके बिजनेस में अब जो ट्रांजैक्शन आपने किए हैं वहाँ पर जो आप रिकॉर्डिंग करेंगे तो उसको दिखाएंगे, उसका लेखा रखेंगे। लेकिन अपने निजी बैंक से अगर आपने कोई पेमेंट किया है, अपने बेटे की फीस का भुगतान जो किया है तो वो क्या है, पूरी तरह से पर्सनल है, वो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो उसे हम बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, क्योंकि यहाँ पर पूछा था क्या नहीं है तो हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी व्यावसायिक लेन देन को पुस्तकों के एक सेट के रूप में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को डैश कहा जाता है। द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शन इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन अ सेट ऑफ बुक इज कॉल्ड डैश, अकाउंटिंग, बुक कीपिंग, लेजर, नन ऑफ। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन होते हैं उनको एक सही व्यवस्थित ढंग से जो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है पुस्तपालन, बुक कीपिंग। अब बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे लेजर में, खाता बही में। यहाँ पर क्या कह रहा है, पुस्तकों के सेट में व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड किया जा रहा है, अभिलेखन किया जा रहा है उसका, तो जब रिकॉर्ड करा जाएगा तो उसे हम कहते हैं बुक कीपिंग, यहाँ पर आपका लेजर नहीं होगा। जब आप जो जर्नल बनाया है जर्नल से अकाउंट्स में अलग अलग जो क्लासीफाई करके अकाउंट्स तैयार करते हैं उसकी जो एक बुक होती है उसको खाता बही या फिर लेजर कहा जाता है, यहाँ पर लेजर आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा, वो होगा बुक कीपिंग। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। आई होप आपको समझ में अब आ गया होगा अच्छे से कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में क्या डिफरेंस होता है, किस चीज़ को कहाँ पर शामिल किया जाता है। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछ रही हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग मुझे कमेंट करिएगा कि जो हम अशुद्धियाँ होती हैं उनको रेक्टिफाई जब किया जा रहा होता है, अशुद्धियों को सही किया जा रहा है, क्योंकि कुछ इंक्रीज की जाती हैं, जो भी गलतियाँ हुई होती हैं, त्रुटियाँ होती हैं उसको सही करने के लिए, तो उनको कहाँ पर किया जाता है, कहाँ पर, या जो अकाउंटिंग का मैंने आपको या जो बुक कीपिंग का एक स्ट्रक्चर पढ़ाया था उसमें कहाँ पर हम उन अशुद्धियों में सुधार करते हैं, रेक्टिफाइंग ऑफ एरर्स जिसे कहा जाता है, कहाँ पर किया जाता है, तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट करिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे उसके नेक्स्ट आगे जो सिलेबस दे रखा है उसके साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी है, हेल्पफुल रही है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स तक शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह के और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।